2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली वोटिंग हुई, फर्स्ट फेज हुआ, जिसमें लगभग 102 सीटों पर वोटिंग हुई, और उसके बाद 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग हुई, जिसमें 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान किया गया। लेकिन इन दोनों फेज में जो एक बात कॉमन निकल कर आई वो ये थी कि वोटिंग प्रतिशत इस बार पिछली बार की तुलना में काफी कम हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल में भी बात करेंगे, इन सारे राज्यों में वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में काफी कम हुआ है। एक्सट्रीम वोटिंग का क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? क्या 400 पार का वादा इसके लिए सबसे बड़ा आप कह सकते कि फैक्टर है? क्या बीजेपी अपने प्रोपोगेंडा का ही शिकार हो गई? क्या इसके अगर परिणाम देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा? इस तरीके के कई सवाल उठ रहे हैं और एक्सपर्ट्स जो है इस पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं और इसमें तरह तरह की बातें की जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि 400 पार जो एनडीए का नारा है, जो कि हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे हैं, उनके नेता देते रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है यही है। और इसके पीछे कई सारे कारण है। 400 पार का जो वादा एनडीए की तरफ से किया गया है, कहा जा रहा है कि विपक्ष ने इसी को बड़ा मुद्दा बना लिया है कि देखिए 400 पार अगर एनडीए का आ गया तो ये संशोधन कर देंगे संविधान में, दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है उसे खत्म कर देंगे। इसके पीछे भी कई सारे कारण है, जैसे कि अनंत हेगड़े हो गए, बीजेपी के बड़बोले नेता हो गए, और ज्योति मर्दा हो गई, अरुण गोविल हो गए या फिर लल्लू सिंह हो गए, ये सारे नेता संविधान से जुड़े बयान देते रहे हैं। अनंत हेगड़े ने तो ये कह दिया था कि बीजेपी की सरकार आएगी, 400 पार पूरा होते ही संविधान बदल देंगे। बीजेपी ने हालांकि इस बयान से किनारा कर लिया था, लेकिन ज्योति मर्दा हो, अरुण गोविल हो, जो कि रामायण के किरदार रहे हैं, राम का अवतार रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने मेरठ से उतारा, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। इस तरीके की बातें की गई बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से, जिसे अगर देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल के लिए खुद अमित शाह और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात संभाली भी और कई बार इसके लिए उन्होंने रीजंस भी दिए, लेकिन इससे फर्क पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनको यही से एक बड़ा मुद्दा मिला है कि जिस तरीके से अनंत हेगड़े ने जो बयान दिया था संविधान बदल देंगे, उसके बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब कहीं भी जहां पर भी माइनॉरिटीज का गढ़ है, जो भी इलाका है जहां अल्पसंख्यक है, दलितों का इलाका है, वहां पर पहुंचते ही विपक्ष के नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि देखिए अगर बीजेपी आती और 400 पार का वादा पूरा होता है इनका, तो फिर दलितों और पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण है उसे खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो इसे एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि यह संवेदनशील मुद्दा है और इसे छेड़कर बीजेपी ने गलती कर दी और इसीलिए 400 पार का वादा यहां पर फेल होता दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 400 पार का वादा किया गया है, इसके बाद जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो भी यही सोच रहे हैं कि आना तो मोदी को ही है, तो इसीलिए अब इतनी मेहनत करके पोलिंग बूथ तक भी क्यों जाना। इसीलिए भी बहुत इसका इंपैक्ट पड़ा है कि वोटिंग प्रतिशत इस बार इतना कम देखा गया है। मेरठ की बात करेंगे, सेकेंड फेज की वोटिंग में ही मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ 15 सालों में 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार वोटिंग सबसे कम हुई, लगभग 5 से 6% वोटिंग कम हुई है। इससे पहले 2009 में इससे भी थोड़ा कम वोट हुआ था वहां पर, लेकिन इस बार बड़ी बात इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल को उतारा गया था, जिन पर बीजेपी को बहुत भरोसा था और काफी जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार भी किया गया था। मोदी से लेकर योगी से लेकर सब उतरे थे, रामायण के लक्ष्मण और सीता भी यहां रोड शो करने आए थे, लेकिन फिर भी इसका फायदा बीजेपी को फिलहाल तो नहीं होता दिख रहा है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। अब दूसरी तरफ यहां सपा के कैंडिडेट ने यहां पर चेंज किया था, क्योंकि सपा की तरफ से जो प्रत्याशी था उसे बदल दिया गया था एंड मौके पर और दलित कार्ड खेला गया था। तो कई कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इसलिए फायदा यहां पर इंडिया को हो भी सकता है अगर वोटिंग प्रतिशत ऐसे ही कम होता रहे। इसके अलावा बागपत की बात करें या फिर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, हर इलाके में जहां पर बीजेपी का गढ़ है, यह भी एक टेंशन की बात है कि जो बीजेपी का गढ़ रहा है वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी कम देखा गया है। और कुल मिलाकर यही बातें कही जा रही एक्सपर्ट्स की तरफ से कि 400 पार का वादा फेल भी हो सकता है।
जो राजनीतिक जानकारों के बीच में जो चर्चा हो रही है वो एक ये भी है कि इस बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। पिछली बार राम मंदिर बनने वाला था तो लोगों में क्रेज था, लेकिन इस बार जो राम मंदिर बन गया तो जनवरी तक फरवरी तक इसका जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों का असली मुद्दे दिखने लगे जो जमीनी मुद्दे थे, सीएसडीएस का उसके बाद सर्वे भी आ गया कि बेरोजगारी महंगाई एक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। खैर इसके बाद और भी कई डेटा सामने आए जिसमें कहा गया कि 83% युवा बेरोजगार है इंडिया के। तो इस तरीके के डेटा से लोगों के बीच में एक अलग इम्पैक्ट पड़ा कि राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं रहा, और इसीलिए इन बड़े मुद्दों के चक्कर में जो वोटिंग प्रतिशत है, जो परिवर्तन की लहर है, वो देखा गया कि लोग अब इसीलिए वोट करने जा ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें सरकार पर इतना भरोसा नहीं रहा। लेकिन हालांकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कयास है। अब आगे क्या होने वाला है, आगे के फेज में क्या होने वाला है, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो बातें चल रही है और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बीजेपी के जो हथियार थे उसी को निशाना बनाया गया है, और इसको हथियार बनाकर विपक्ष ने ही उल्टा कह सकते कि उन पर निशाना कर दिया है। 400 पार का वादा हो, संविधान में संशोधन का मुद्दा हो, या फिर यूसीसी हो, या फिर उनका कह सकते कि वन नेशन वन पोल, ये सारे मुद्दे जो है, जानकार ये भी कहते हैं कि ये सारे मुद्दे चुनाव जीतने के बाद उठाने चाहिए थे। चुनाव के वक्त ये सेंसिटिव मुद्दे हो जाते हैं, और क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो दलित पिछड़े हर तरह के लोग हैं, तो ये एक संवेदनशील मुद्दा हो जाता है और इस पर चुनाव में बंटवारा भी देखा जाता है। इसी पर अखिलेश यादव ने भी हाल में बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि बीजेपी 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान संशोधन करना चाहती है। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। सदियों से 4-5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90-85% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को हराएंगे, संविधान और आरक्षण को बचाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे के फेज में कैसी वोटिंग होती है, किस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को आखिरकार सत्ता में कौन आता है। क्या एनडीए एक बार फिर तीसरे टर्म में वापसी करती है, या फिर इंडिया इस बार कुछ नया कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।